तो जिस गुड न्यूज की हम बात कर रहे हैं वो उत्तरकाशी से आने वाली है। बड़ी खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर 12 दिन से 41 मजदूर जो फंसे हुए हैं, अब उनके ऑपरेशन को, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बड़ी खबर यह है कि उनको बाहर लाने में 3-4 घंटे का समय और बचा है और 3-4 घंटे के वक्त के बाद उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। सरिया स्टील को काट कर निकाल लिया गया है और टनल के अंदर पाइप डाला जा रहा है। तो इस वक्त बड़ी और अच्छी खबर यह है कि जो 41 मजदूर बीते 12 दिन से फंसे हुए हैं टनल के अंदर, उन्हें अब 3-4 घंटे के अंदर बाहर निकाल लिया जाएगा। एक राहत की सांस वो टनल में फंसे मजदूर भी लेंगे और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे जवान भी। बिल्कुल, जिस गुड न्यूज का देश को इंतजार था 12 दिन से, वो अच्छी खबर अब किसी भी वक्त मिल सकती है। हम बात कर रहे हैं उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन की। आज 12वें दिन किसी भी वक्त टनल से मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। रेस्क्यू टीम करीब करीब टनल के आखिरी छोर तक पहुंच चुकी है। आपको बताएं कि टनल के अंदर से रेस्क्यू टीम किसी भी वक्त मजदूरों को बाहर निकाल सकती है। वहीं दूसरी तरफ टनल के बाहर मजदूरों के मेडिकल चेकअप की पूरी तैयारियां कर ली गई। ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि सवेरे 8-1 बजे तक ये सारा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। बारह दिन बाद अब वो शुभ घड़ी आ गई है, गुड न्यूज मिलने वाली है। महज चंद लम्हों की बात है। 12 दिन तक जिनकी सांसें सुरंग में अटकी हुई थी, वो चंद लम्हों बाद खुली हवा में होंगी। 12 दिनों से जिस रेस्क्यू ऑपरेशन पर देश की नजर थी, अब वो कामयाबी के करीब पहुंच गए हैं। 2 पाइप 6-6 मीटर के और डालने हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भाई वेल्डिंग वोल्डिंग करने में, पाइप को पुश करने में, इसको गर्डर अपना स्टील को काटने में ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि सवेरे 8-1 बजे तक ये सारा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन पर पल पल नजर गड़ाए अधिकारियों की आंखों में अब कामयाबी वाली चमक है। 41 मजदूरों को बचाने की उम्मीद अब लौ बनकर आंखों में चमकने लगी है। अगर रेस्क्यू ऑपरेशन के आखिरी वक्त में अड़चन ना आई होती तो चंद लम्हों का इंतजार भी नहीं होता। टनल में फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए ड्रिलिंग का काम तेज रफ्तार से चल रहा था, तभी ऑगर मशीन के रास्ते में भारी सरिया आ गया। ये रुकावट आखिरी पाइप को पुश करने के दौरान आई। आगे टनल में मलबे में कुछ सरिये के टुकड़े नजर आए, मशीन सरिये को नहीं काट पाई, वो ड्रिल बाहर निकाल लिया, मशीन वहीं खड़ी है। अब उस पाइप के थ्रू जाके NDRF के लोग वो जो सरिये हैं उन सरियों को काटेंगे। सरिये कटते ही मशीन आगे जानी शुरू हो जाएगी। कितने सरिये के गुच्छे थे वहाँ? 4 सरिये। टनल के अंदर इस आखिरी अड़चन को पार कर मजदूरों को बाहर निकालने का मिशन चालू है। तो टनल के बाहर रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद की पूरी तैयारी हो गई है। टनल के बाहर 1 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस तैनात हैं। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मजदूरों को प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा। तमाम एम्बुलेंसेज यहां पर डिप्लॉय की गई थी और कुछ एम्बुलेंसेज तो ऐसी है जो पिछले 11 दिनों से हैं। ऐसी जो एक एम्बुलेंस यहां पर मौजूद है और अब ये लोग भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 11 दिनों से लगातार इनसे कहा गया था कि आप लोगों को स्टैंड बाय पर रहना है, कभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा और उसके बाद में आपको सबसे अहम भूमिका निभानी होगी। ये देखिए, यहाँ पर जो है कुछ पैरामेडिकल स्टाफ के लोग भी हैं। इनिशियल जो सबसे पहले जो जिस इलाज की जरूरत होती है वो इस एम्बुलेंस के में ही जो है उनको यहाँ पर दे करके और उनको आगे के अस्पतालों में अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो उनको ले जाया जाएगा। ABP News आपको रखे आगे।